एक्सीडेंट कैसे हुआ आशु? अरे माँ, रोड पे बहुत गड्ढे थे, एकदम से माँ ना मेरी स्कूटी जो है ना बहुत ही उछलने लगी, एकदम से एक दो गड्ढे आए, फिर जो है कि पूर्वी ने उसका हाथ ना मेरे कंधे पे रखा, फिर बता नहीं मेरी स्कूटी का हैंडल ना जाम हो गया, स्कूटी मुड़ ही नहीं रही थी माँ, फिर सामने से कार आके मेरी स्कूटी में टकरा गई। आशु, आशु तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तूने मुझे सब बताया क्यों नहीं पहले? अरे माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी स्कूटी को बहुत नुकसान हुआ है माँ, उसको बहुत लगी है। और पूर्वी को? हाँ पूर्वी का मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी स्कूटी की हालत तो मुझे देखी नहीं जा रही है माँ। आशु लेकिन पूर्वी का भी तो? अरे माँ मुझे पूर्वी का नहीं पता है, मुझे तो बस मेरी प्यारी स्कूटी का पता है, पता नहीं कैसे ठीक होगी वो। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, चल हम चाय पीते, तू रिलैक्स हो जा, ठीक है? देख उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, बहुत काम है, मुझे पता नहीं घर का सारा काम कब तक अकेले करना पड़ेगा, कब पूर्वी आएगी। अरे माँ शादी भी हो जाएगी, पूर्वी भी आ जाएगी, लेकिन मेरी स्कूटी का क्या? उसने वादा किया था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझसे बहुत प्यार करेगा, ये सारे वादे किए थे, उसे झूठ बोल रहा है मुझसे, वो तो चला गया, क्यों किया उसने ऐसा, क्यों किया? राजीव, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बेटा, भगवान जी ने जो लिखा वो क्यों लिखा है ऐसा, मेरे ही भाग्य में ये चीजें क्यों लिखी है, खराब लिखा है, खराब लिखा है भाग्य का। नहीं बच्चे, तेरा भाग्य खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं है खराब, तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, आज वो तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, उसकी वजह से तेरे पास कितना कुछ है, तेरा पूरा परिवार है तेरे पास, कितने प्यार करने वाले लोग हैं। प्राची, जब भगवान जी एक जगह प्यार कम कर देते हैं ना तो दूसरी जगह भर भर के देते हैं, हम सब है ना तेरे पास, तुझसे कितना प्यार करते हैं, और रणबीर का अंश, खुशी और पूर्वी, वो भी तो उसी का रूप है ना, तो फिर देखा जाए तो रणबीर है तेरे पास हमेशा। हाँ, ऐसे नहीं रोते, आपको पता है ना आप रोते हो तो मुझे कितना हर्ट होता है, मेरा कितना दिल टूटता है, अब आप चाहते हो मैं भी रोऊं? नहीं चुप, तू नहीं रोएगी, तू जाने मेरी, समझी तू, ऐसी बातें मत कर तू। हाँ हाँ तो फिर आप भी रोना बंद कर। ओके, मैं नहीं रो रही, नहीं रहूंगी। हाँ आपको पता है पापा जहाँ भी होंगे ना वो आपको ऐसे देख के बहुत हर्ट हो रहे होंगे, और मैं पक्का कह रही हूँ यहाँ पे आपके आंसू आ रहे हैं ना वहाँ पे उनके भी आंसू आ रहे होंगे, ये जो आपके दिल का दर्द है ना उनका दिल भी महसूस कर रहा होगा। हाँ प्लीज चुप हो जाओ ना, मेरे लिए, पापा के लिए नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, तू परेशान नहीं हो। मेरी जिंदगी हो तुम दोनों। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।